मोदी का तो नियम ही है कि लेते समय खूब बड़े बड़े बुके देंगे, हार पहनाएंगे, और लेने के बाद फिर वो उनको उनको अपमानित करते हैं, उनको बेइज्जत। एनडीए की एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक जिसमें चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुन लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेता चुने जाने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच, जिस पर अनुप्रिया पटेल तो नजर आई, जिन्होंने अपने कोटे की सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन दो सीटें जीतने वाले जयंत चौधरी मंच पर नहीं थे, वो दीर्घा में बैठे हुए थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बवाल खड़ा कर दिया। कहा गया कि जयंत चौधरी जिस इज्जत के हकदार हैं, उन्हें वो इज्जत नहीं मिली। ऐसे में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं आम हो गई, चाहे घोसी से नव निर्वाचित सांसद राजीव राय हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी में चुनाव हारने वाले अजय राय, जिसको देखो वो इसी बात पर फायर। वहीं इसी बीच जब हम अजय राय के पास पहुंचे और उनसे जयंत चौधरी को मंच पर जगह न मिलने को लेकर सवाल किया, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी पर टूट पड़े। उनका कहना था कि जो भी वहां पर जाएगा उसके साथ यही होगा, उनके यहाँ पार्टी में शामिल करते वक्त तो बुके दिया जाता है, बड़े बड़े हार पहनाए जाते हैं, लेकिन बाद में उनको अपमानित करते हैं और अपने सहयोगियों को बेइज्जत करते हैं। आप भी सुनिए कि जब जयंत चौधरी को लेकर सवाल हुआ तो अजय राय ने क्या कुछ कहा। जयंत चौधरी जो है साथ में है बीजेपी के, और उनको आज जो एनडीए की बैठक थी उसमें जगह मंच में नहीं मिली, जबकि अनुप्रिया जबकि एक सीट जीती उनको जगह मिली है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहां गए उनको सम्मान नहीं। मोदी का जो जाएगा, मोदी का तो नियम ही है कि लेते समय खूब बड़े बड़े बुके देंगे, हार पहनाएंगे, और लेने के बाद फिर वो उनको उनको अपमानित करते हैं, उनको बेइज्जत। तो अजय राय तमाम सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के मंच पर ना होना इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का एक बड़ा विषय बना हुआ है। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।